हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। और आज अभी हम हैं मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन पर। ये जो रोड आपको दिख रहा है ये ITO से आता है और ये सामने हिमाचल भवन है और ये है मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर ये मिलती हैं योलो साइकिल्स या मोपेड्स कह लीजिए आप, सिंगल यूजर के लिए रेंट पे, जिससे आप यहाँ का एरिया घूम सकते हैं। ये सामने है NSD का कॉम्प्लेक्स जो मेट्रो स्टेशन से साफ दिखता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और यहाँ पे ये बहुत ही प्यारी सी स्कूटीज भी मिलती हैं रेंट पर क्विक कंपनी की तरफ से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, और इन्हें लेकर भी आप यहाँ पे घूम सकते हैं। आज हम इसी पे राइड करेंगे। काफ़ी चीप है, आपको इसमें लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड से आप यूज कर सकते हैं। हेलमेट भी यही लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, दैट्स ग्रेट। सो हमने रेंट पे ले ली है और हम अब निकल गए हैं। ये जो एरिया है ये है मंडी हाउस का सर्कल। बेसिकली यहाँ से एक रोड जाती है ITO की साइड, एक रोड बंगाली मार्केट, एक इंडिया गेट की साइड। सो एक तरीका गोल चक्कर है और एक CP की साइड भी जाती है। बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही पॉपुलर जगह है यहाँ पर। और हम आ चुके हैं अब CP में। ये है सेंट्रल पार्क में भारत का ध्वज। ये इनर सर्कल है CP का, जहाँ पे हम अभी चल रहे हैं। दिस इज़ अ इनर सर्कल। और ये आप लेफ्ट में देखेंगे तो ये सारा का सारा यहाँ पे A से F ब्लॉक तक है। तो आप जो ये देख रहे हैं शायद A ब्लॉक है, और इसके साथ में पार्किंग्स हैं जहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हैं। और इसके साथ में ही मेट्रो स्टेशंस भी हैं, बीच बीच में आपको दिख भी जाएंगे। ये सामने व्रेंगलर्स है, ये काफ़ी पुराना यहाँ का शॉप है। जो कनाट प्लेस को बनाया गया था, इसे एक जॉर्जियन स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया था। ये डबल स्टोरी कॉम्प्लेक्स है, कंप्लीट राउंड सर्कल है, और इसमें डबल स्टोरी से ज़्यादा नहीं बनाया गया है। और ये जो जगह है ये वर्ल्ड में 9th प्लेस पे आती है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसिवनेस। सबसे कॉस्टली रेंट है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ ऑफिस स्पेस, 9th प्लेस पे आता है। एंड बिकॉज इट इज़ द सेंट्रल प्लेस, यहाँ पे आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन भी मिलेगा, द फर्स्ट अंडरग्राउंड मार्केट पालिका बाजार भी मिलेगा। ये यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस भी है यहाँ पर, जो कि अगेन काफ़ी पुराना है, लगभग 1939 में इसे स्टार्ट किया गया था। और ये सारे सर्कल्स से आउटर सर्कल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे एक्चुअली इनर सर्कल है, मिडिल सर्कल है और आउटर सर्कल है। ए टू एफ जो इनर सर्कल में आता है, उसके बाद F के बाद G से आगे जो है वो आउटर सर्कल में आते हैं। ये सामने अगर आप देखें तो ये अब आगे हम बाराखंबा रोड पर। बाराखंबा रोड एक्चुअली ये स्टेट्समैन का हाउस है, स्टेट्समैन हाउस और गोपालदास बिल्डिंग, टू ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन CP, जो कि हाईली कॉस्टली भी है इन टर्म्स ऑफ रेंट। और ये जो आप राइट में देख रहे हैं ये सब ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस हैं। बाराखंबा मेट्रो स्टेशन भी यहीं पर है और इसके पीछे सारी बिल्डिंग्स ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। और बाराखंबा रोड मोस्टली यहाँ पर ऑफिसेज ही हैं। आप ये राइट साइड, अगर आप लेफ्ट साइड में भी देखेंगे तो लेफ्ट साइड में भी आपको ऑफिस कॉम्प्लेक्स ही मिलेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफिसेज हैं यहाँ पर, 9th इन द वर्ल्ड, सो यू कैन इमेजिन। और ये रोड आगे मंडी हाउस जाती है। ये जो आपके सामने बिल्डिंग दिख रही है ये है राइट में, ये हंस होटल है, हंस होटल की बिल्डिंग है ये, जो कि ऊपर के टॉप फ्लोर्स पर है। नीचे ऑफिसेज हैं और ऊपर टॉप फ्लोर पर होटल है।
और ये जो आपको लेफ्ट साइड में मॉडर्न स्कूल की बिल्डिंग की दीवार और मॉडर्न स्कूल भी बहुत पॉपुलर और बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रेस्टिजियस स्कूल है एंड इट वाज मेड इन 1935 बहुत पुराना हिस्ट्री है बहुत पुराना स्कूल है और वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्कूल इन दिल्ली देन वी हैव अगेन कम बैक टू द सर्कल और ये जो सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है ये है मंडी हाउस में दूरदर्शन भवन ये अगेन ये है मेट्रो स्टेशन ऑफ मंडी हाउस जो कि आईटीओ की तरफ भी रास्ता जाता है ये अगेन दिस इज द मंडी हाउस का दूरदर्शन भवन उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक